बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज पीयर ट्यूटरिंग? पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है? डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग से कैसे ये अलग है? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। मीनिंग ऑफ पीयर ट्यूटरिंग: इट इज अ मेड अप ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व वन टू वन इंस्ट्रक्शन। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है? एक मोड होता है हमारा एजुकेशनल प्रैक्टिस का, जिससे कि हम स्टेप टू स्टेप बाय से इंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस मोड ऑफ ट्यूटरिंग इन्वॉल्व्स और मैनी इन्वॉल्व्स अ पीयर एंड अदर ओल्डर स्टूडेंट्स और इवन एक्सपर्ट टीचर इन द ट्यूटरिंग रोल। इसमें क्या होता है, जो ये मोड ऑफ ट्यूटरिंग है इसमें इन्वॉल्व्स होते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे जो पीयर्स ग्रुप्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, एक्सपर्ट टीचर होते हैं, एक्सपर्ट टीचर, ये सारी चीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव इन इंक्लूसिव सेटिंग बिकॉज इट कैन बी यूज टू मीट द स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन बाय प्रोवाइडिंग रिमाइंडर इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम जो स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन नीड्स की नीड्स होती है जो कि हम उसे पूरा करते हैं और जो उनकी कमियां होती है उसे दूर करते हैं और उन्हें अलग अलग तरीकों से बच्चों को, डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी क्रॉस एज ट्यूटरिंग और सेम एज ट्यूटरिंग रेफर टू इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन इन विच पीयर ट्यूटर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द यंगर चाइल्ड ऑफ द लोअर ग्रेड। ये क्या होता है, हमारा एज ग्रुप वाइज भी होता है, जैसे कि सेम एज के बच्चे भी इसमें होते हैं और क्रॉस एज के भी बच्चे होते हैं, जिससे क्या होता है जो हम बच्चे होते हैं उनके अंदर की जो बातें होती है उस चीज को हम समझ सके, उन्हें अच्छे से ट्रीट करवा सके, चाहे जो हमारा यंगर बच्चा हो या फिर लोअर ग्रेड का बच्चा हो, वो उन सबको हम एक तरीके से लेके उन्हें अच्छे से ट्रीट करके उनको उनके लेवल के हिसाब से एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं। इन एनी टाइप ऑफ पीयर ट्यूटरिंग द ट्यूटरिंग ऑफ स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, अर्थमैटिक एंड सोशल बिहेवियर्स कैन बी इन्वॉल्व और यूज्ड। इसमें क्या होता है, पीयर ट्यूटरिंग में हम क्या करते हैं, जो उन बच्चों की स्पेलिंग्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उनके हैंड राइटिंग्स होगी, उनके अर्थमेटिक्स और सोशल बिहेवियर होता है, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। दिस प्रोसेस कैन बी यूज वंस और ट्वाइस इन अ वीक इन द लास्ट पीरियड। इसमें क्या होता है, ये हफ्ते के एक या दो दिन करवाया जाता है पीरियड के, स्कूल के जो हमारे क्लास का टाइम होता है उसके लास्ट पीरियड में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग: इट हैज स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विच मे बी डिफरेंट टाइप्स, कॉग्निटिव, सोशल, साइकोमोटर एरियाज। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहले पढ़ेंगे हम कॉग्निटिव एकेडमिक एरिया। इसमें क्या, फर्स्ट वे डील विद द कॉग्निटिव डोमेन दैट इंक्लूड्स सम कॉग्निटिव स्किल यूज इन एकेडमिक टीचिंग और ट्यूटरिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हम बच्चे होते हैं उनके कॉग्निटिव जो कि उनका जो एकेडमिक एरिया होता है उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा है स्कूल में क्या पढ़ता है, क्या समझता है, उसके जो टीचिंग है और ट्यूटरिंग स्टाफ है उसका उसके टीचिंग मतलब लर्निंग में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस दे मे बी रिगार्डिंग स्पेलिंग, अर्थमेटिक एंड अदर्स। उसमें हम चेक करते हैं उनकी स्पेलिंग्स क्या है, जो उन्हें अर्थमेटिक का काम दिया जा रहा है, बाकी अदर कलर के वर्क है वो उसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इट सेट्स ऑल दिस स्किल इन ट्यूटी माइंड। ये सारी चीजें जो होती है ट्यूटी के माइंड में होती है। सेकेंड पॉइंट है सोशल एरिया। सेकेंडली द सोशल डोमेन इज देयर विच डील्स विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्यूटी सोशल बिहेवियर। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो ट्यूटर होता है, जो हमारा पुराने वाला होता है, वो बच्चों के ऊपर ध्यान देता है कि जो बच्चे का जो सोशल बिहेवियर है, समाज के अंदर जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंजेस आया है नहीं आया, वो अपने आप को समाज के हिसाब से ढाल पा रहा है नहीं ढाल पा रहा। ट्यूटी लर्न कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा लर्नर होता है वो ही सीखता है कि उसे सीखता है कि वो किस तरीके से उसे कोऑपरेशन करना है, उसको अपनी फ्रेंडशिप पे ध्यान देते हैं क्योंकि बच्चों को फ्रेंड बनाते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की बातों को मानते हैं। ही गोज थ्रू द नेसेसरी ट्रॉमा ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये कहता है हमारा सबसे पहला ट्रॉमा होता है, हमारा मैनुअल टर्म होता है कि हम किसी के बिहेवियर को अच्छे से बना सके जो कि हमारे सोसाइटी में उठने बैठने को हमें समाज लायक बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा साइकोमोटर एरियाज। फाइनली इट इज इट्स कम टू द साइकोमोटर डोमेन विच प्रमोट्स द इम्प्रूवमेंट इन द स्किल ऑफ हैंड राइटिंग। स्किल में क्या होता है, जो साइकोमोटर डोमेन्स होता है इसमें हम बच्चे को प्रमोट करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं बच्चों की हैंड राइटिंग वगैरह को, जैसे कि जो बच्चा होता है अच्छे से लिखना बोलना सीखता है। दस ऑल साइड डिफरेंट बट वन कॉम्पैक्ट वर्स ऑफ इम्पार्टिंग द रिक्वेस्टिंग एजुकेशन टू द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। हर एक चीज डिफरेंट होते हैं, सेट हमारा उसमें डिफरेंट होता है, परंतु सबका
जो कार्य होता है यही होता है कि हम किस तरीके से जो बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उन्हें एजुकेशन प्राप्त करवा सके स्पेशल नीड्स के द्वारा। द पीयर ट्यूटर हैज टू प्ले अ सपोर्टिव रोल बाय प्रोवाइडिंग रिमाइंडर इंस्ट्रक्शन एडिशनल प्रैक्टिस मॉडलिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा पीयर ट्यूटर होता है वो जो प्ले करता है वो सपोर्टिव रोल निभाता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से फ्रेंडशिप बना कर रह सके, उनके अंदर जो खामियां होती है उससे दूर कर सके, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सके। पीयर ट्यूटरिंग प्रोसीजर, इसमें क्या है, पीयर ट्यूटरिंग शुड बी ओरिएंटेड अबाउट ट्यूटरिंग प्रोसीजर बिफोर दे आर एक्चुअली एंगेज इन ट्यूटरिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी एक्टिविटीज बच्चों को करवा रहे हो तो इसमें पहले हमें ध्यान देना होता है कि हमें किस तरीके से इन एक्टिविटी को दिखाना है बच्चों के सामने, किस तरीके से उसे डील करना है, जिससे कि जो बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सके। देयर आर बेसिकली थ्री ट्यूटरिंग प्रोसीजर विच आर वाइडली क्लम्ड, थ्री तरह के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन, सेकेंड टेस्ट टीच टेस्ट, थर्ड है ग्रुप और पेयर टीचिंग प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम डेमोन्स्ट्रेट प्रोसीजर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सो और डू एक्टिविटीज। इसे हम क्या कहते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट प्रोसीजर से हम सो डू एक्टिविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे हमें बच्चों के सामने शो करना होता है। इट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडलिंग प्रोसीजर थ्रू विद आर ट्यूटर गेट्स प्रॉपर एंड एक्यूरेट नॉलेज। ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है बच्चों को समझाने के लिए, बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर और एक्यूरेट तरीके से उस चीज के बारे में अच्छे से समझा सके। द फर्स्ट प्रिंसिपल डेट ट्यूटर शुड अप्लाई इज डेट दे शुड टीच इन अ स्मॉल स्टेप और एट अ टाइम एंड ऑल्सो प्रोवाइड क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वे डेट एज स्टूडेंट्स कैन लिंक द स्टेप्स टूगेदर। इसमें क्या होता है, हम जो बच्चे होते हैं ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उस चीजों को समझाते हैं, वो भी हम इसे ये नहीं कि एक ही बार बीच में से बच्चों को समझाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो। तो बच्चों को हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, स्मॉल चीज से लेके लार्ज तक जाते हैं और हर एक चीज का अच्छे से क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं उसे अच्छे से समझ सके और वो चीज उसके दिमाग में काफी टाइम तक रह सके। द सेकेंड प्रिंसिपल इज फॉर ट्यूटर्स टू इंश्योर डेट द स्टूडेंट प्रैक्टिस इमिडिएटली आफ्टर इस टास्क और स्टेप से हैज बीन डेमोन्स्ट्रेट। और हमारा जो सेकंड काम क्या होता है ट्यूटर्स का, क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो भी से हमने प्रैक्टिस करवाई, जिस चीज की एक्टिविटीज करवाई, उस चीज के बाद हमें फटाफट उन बच्चों से क्वेश्चन या ऐसा काम देना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं जिन्होंने जो सीखा है उस चीज को हमसे इजिली कर सके। स्टूडेंट मस्ट शो द ट्यूटर डेट दे कैन कम्प्लीट ईच स्टेप ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इन द रिक्वायर्ड रेगुलर प्रॉपर वे। और स्टूडेंट्स को, बच्चों को हम ये भी सिखाते हैं कि जो हम भी उन्हें सिखा रहे हैं वो किस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख रहे तो इसके अल्फाबेट्स आगे पीछे कर दिया, फिर लाइन्स ऊपर नीचे कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, सीक्वेंस में होना चाहिए और प्रॉपर वे में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व थ्री स्टेप प्रोसीजर्स। ये क्या होता है, जो हमारा टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर होता है, तीन स्टेप का प्रोसीजर प्रोसेस होता है। फर्स्ट द ट्यूटर टेस्ट इफ द ट्यूटी कैन डू द रिक्वायर्ड टास्क, इफ द ट्यूटी फेल्स देन द टास्क इन एनालाइज टू सी व्हाट अ प्रैक्टिकल पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द टास्क इज कॉजिंग डिफिकल्टीज एंड व्हाट आर क्रिएटिंग हिंड्रेंस इन द लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो ट्यूटी होता है, जो हमारा ट्यूटर होता है वो बच्चों का टेस्ट ले रहा होता है, तो उसमें वो देखता है कि जो बच्चे होते हैं उसमें क्या उन्हें कमी आ रही है, किस वजह से वो फेल हो रहे हैं, किस वजह से वो अपना जो टास्क है वो कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे, उस चीज को वो अच्छे से देखते हैं, उसे समझते हैं और उनकी जो डिफिकल्टीज होती है जैसे कि वो समझते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि जो अपना वो लर्निंग वर्क है वो अच्छे से कम्प्लीट क्यों नहीं कर पा रहे। आफ्टर अप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंस्ट्रक्शन द ड्यूटी इज वंस अगेन टेस्ट टू सी इट। इसके बाद क्या होता है, जब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं दोबारा से हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसे समझाते हैं और देखते हैं कि वो जो दोबारा टेस्ट देते हैं वो फिर क्या करता है, डिफिकल्टीज मास्टर और रिमूव एंड दैट ट्यूटी इज एबल टू क्रॉस द हिंड्रेंस। इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको बार बार टेस्ट लेने से जो बच्चे के अंदर जो डर होती है और जो उनके अंदर जो हिंड्रेंस होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो चीज दूर हो जाता है। और जिससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपना पेपर आराम से दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा इफ ट्यूटर फाइंड द नेगेटिव रिस्पॉन्स द सेम प्रोसेस अडॉप्ट एंड रिपीट टिल द प्रॉब्लम इज रिकॉग्नाइज्ड। इससे क्या होता है, अगर बच्चे कुछ बच्चे हो गए जैसे जिनका
जो इसका ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो उसे कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें ट्विटर जो होता है कुछ भी नहीं कहता, परंतु तो कुछ छोटे ऐसे होते हैं जो बच्चे होते हैं जो उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारा ट्विटर होता है उसके अंदर जो नेगेटिव भावना होती है उससे उसे दूर करते हैं और चीज प्रोसेस को बार बार कराते हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है रिपीट करवाने से वो डायग्नोज होता है, वो खुद से वो चीज कर पाता है। थर्ड पॉइंट हमारा ग्रुप और पेयर टीचिंग प्रोसीडर, इसमें क्या इन्वॉल्व द ट्यूटर एंड ट्यूटी टेकिंग ट्यून्स टू कम्प्लीट द एक्टिविटी। इसमें क्या होता है जो हमारा टीचर और स्टूडेंट्स होता है दोनों मिलके ही टास्क को एक्टिविटीज को कम्प्लीट करते हैं। द ट्यूटर डज द फर्स्ट ऑफ द असाइनमेंट टास्क एंड द थर्ड एंड सो अनटिल द असाइनमेंट हैज बीन कम्प्लीट। इसमें क्या होता है जो ट्यूटर होता है वो बच्चों को टास्क असाइनमेंट देता है, उसके बाद दूसरे बच्चों को देता है, फिर थर्ड बच्चे को देता है, जिससे तब तक देता है जब तक जो उसका असाइनमेंट है वो कंप्लीट ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल इन ऑरल रीडिंग एक्सरसाइज द ट्यूटर माइट रीड द फर्स्ट पैसेज, द ट्यूटर द सेकेंड एंड द ट्यूटर द थर्ड एंड सो ऑन। इससे क्या होता है जब हम बच्चे को रीडिंग करवाते हैं तो हर बच्चे से एक पैरा पढ़ाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो बच्चा है वो एबल होता है रीडिंग लाइक या नहीं होता। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द एंड ऑफ द लेसन। ये हमारा प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक हमारा जो बुक का चैप्टर है लेसन वो खत्म नहीं हो जाता तब तक। द ट्यूटर यूजली मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द ट्यूटर इन द स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन। इससे क्या होता है जो ट्यूटर होता है वो देखता है कि जो बच्चे उसके अंदर गेनिंग पावर क्या होते हैं और किस तरीके से वो चीज को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, किसी कैसे उस चीज को समझ पाते हैं। द सक्सेस ऑफ पीयर ट्यूटर ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन द इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन द पीयर्स। इसमें क्या होता है जो हमारा पीयर ट्यूटर ट्रेनिंग होता है उसे हम देखते हैं और ये भी देखते हैं कि जो इसके जो तीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप होती है वो किस तरीके से पीयर्स के साथ होती है। थर्ड हमारा एडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, दिस सिस्टम आल्सो अलाउ द स्लो लर्नर्स द इंडिविजुअल इंटेंशन दे नीड। इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो हमारा स्लो लर्नर्स होता है इसमें जो हमारा ट्यूटर्स होता है उसे उस चीज अटेंशन देता है, बच्चों को समझाता है प्रॉपर तरीके से जिससे जो उसकी लर्निंग है वो इजिली हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है दिस सिस्टम कैन डेवलप अ डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ट्यूटर एंड ट्यूटी। इसमें क्या होता है जो हमारे ट्यूटर और ट्यूटी के बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा गहरा होता है, बहुत मजबूत होता है। द ट्यूटर बेनिफिट्स बाय लर्निंग टू टीच अ जनरल स्किल दैट कैन बी वेरी यूजफुल इन अदर सोसाइटी। इसमें क्या होता है जो ट्यूटर्स होता है वो बेनिफिट समझाता है लर्निंग के कि क्या इसका यूजेस होता है हमारे डेली के लाइफ में हमारी सोसाइटी के अंदर। इट इज हेल्पफुल इन केस इफ द टीचर ऑर्गेनाइज द कॉन्टेक्ट, कि हमारे टीचर के जैसे टीचर को समझा रही होती है कि अच्छा ऑर्गेनाइज करती है, इसमें भी यह बहुत ही योगदान निभाता है। द ट्यूटर कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज टेलर टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें क्या होता है जो ट्यूटर होता है वो प्रोवाइड करता है अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज देता है, जैसे कि जो हमारा बच्चे होते हैं हमारे जो इंडिविजुअल होते हैं जो इस चीज की जरूरत होती है उस चीज को समझ कर उसे प्रोवाइड करवाते हैं वो चीजें स्पेशल नीड्स। दे कैन इंश्योर अ हाई लेवल ऑफ ट्यूटी पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है जो हमारा ट्यूटी होता है जो हमारा स्टूडेंट होता है उसे पार्टिसिपेंट करवाया जाता है, उसे लर्निंग के अलग अलग प्रोसेस करके उसे सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्यूटर कैन एफिशिएंटली मॉनिटर द लर्निंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसमें क्या होता है जो हमारा ट्यूटर होता है वो देखता है कि जो हमारा बच्चा है किस तरीके से उसकी जो लर्निंग हो रही है स्पेशल नीड्स से अच्छे तरीके से हो रही है नहीं हो रही, क्या वो समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा। ईच फेज इन लर्निंग प्रोसेस कैन बी सुपरवाइज्ड एंड एवलुएटेड एफिशिएंटली। इससे क्या होता है जो बच्चों के बीच के अंदर जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है उसे सुपरवाइज देखा जाता है, उसका आलंकन किया जाता है जो बच्चे हैं उनके जो लर्निंग अच्छे से हो रही है नहीं। नेक्स्ट है एजुकेशनल डेमोस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड। इसमें क्या था इस चीज के ऊपर भी अटेंशन दिया जाता है कि जो बच्चे को जो भी हम समझा रहे हैं या फिर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उस चीज को उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। इट आल्सो इनकरेजेस पॉजिटिव इंट्रेक्शन बिटवीन रेगुलर क्लास स्टूडेंट्स एंड दोस्त विद स्पेशल। इससे क्या होता है हम बच्चों को भी हम इसमें इनकरेज करते हैं जो हमारे स्पेशल और नॉर्मल चाइल्ड बच्चे उन्हें एक दूसरे के साथ खेलने बैठने उठने बैठने गेम खेलने को दिया जाता है, उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जो सारे बच्चे हैं एक तरीके से, उनमें किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं होती। एजुकेशन ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, इसमें क्या होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन द मैनेजमेंट प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें क्या सबसे पहला और मेन कारण ये होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो अच्छे तरीके से नहीं होता, ना ही किसी बच्चे के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखी जाती है। द क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड एंड कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड व्हेन ट्यूटर आर आस्क्ड टू इंस्ट्रक्ट
टू मैनी ट्यूटीज, इसमें क्या होता है जो क्वालिटीज होती है बच्चों के अंदर, जो बॉन्ड बॉन्ड बैंड होता है, बॉन्ड रिलेशनशिप होता है उनके बीच का, जो कम्युनिकेशन होता है ज्यादा बच्चों के आने के बाद क्या होता है, जो इनका इंस्ट्रक्शन है वो कम हो जाता है, जो टीचर्स होते हैं वो ज्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं देते. इफ द ट्यूटर इज नॉट प्रॉपरली इन ट्रेंड इट विल बी इम्पॉसिबल टू अचीव द डिजायर गोल. इसमें क्या होता है जो हमारा ट्यूटर होता है उसे प्रॉब्लम, उसे पूरी ट्रेनिंग नहीं होती, उसे पूरे वो अनस्किल्ड होता है, अनट्रेंड होता है. इससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी इसमें बहुत ही बड़ा कारण बनता है. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ट्यूटर एंड ट्यूटर लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट द ट्यूटरिंग सिचुएशन हैज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस. इससे क्या होता है जो टीचर और स्टूडेंट, ट्यूटी और ट्यूटर के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा नहीं होता है. इससे क्या होता है बहुत ही कम चांस होता है कि वो अपने लाइफ में आगे सक्सेस करे, और करता भी तो बहुत कम कर पाता है. सम गाइडलाइंस टू द पीयर ट्यूटरिंग, कुछ गाइडलाइंस है जो देखेंगे. टीचर शुड वर्क आउट डिटेल्स, इसमें कहते हैं जो टीचर होती है बच्चों को वर्क के डिटेल्स, काम को डिटेल्स में समझाते हैं. टीचर शुड डेवलप अ मेंटली अमंग द स्टूडेंट दैट वी कैन हेल्प ईच अदर. इसमें कहते हैं टीचर होता है डेवलप करता है मेंटली पावर को, मानसिकता को, जिससे कि जो बच्चे होते हैं दूसरे को समझते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं. टीचर शुड प्रॉपरली डायग्नोज ट्यूटी प्रॉब्लम्स, इसमें कहते हैं जो टीचर होती है वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से डायग्नोज करती है, समझती है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है. स्किल्स इन क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डेवलप, जो स्किल्स होता है वो क्या होता है क्रिएटिव, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे समझा जाता है, उसे डेवलप किया जाता है. ट्यूटर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट सर्टन स्किल्स सच एज हाउ टू प्रेजेंट द लर्निंग मटेरियल, सपोर्ट करेक्ट आंसर रिस्पॉन्स टू एरर, गिव अप्रिशिएट फीडबैक सेक्टर. इसमें जो ट्यूटर्स जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से समझ पाता है कि क्या स्किल्स है, जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, क्या उसका लर्निंग मटेरियल है, कैसे किसी चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं किसी एरर को, और किस तरीके से हम बच्चों को अप्रिशिएट करके अच्छा फीडबैक दे सकते हैं. इस्टेब्लिश अ पार्टिकुलर वर्क रूटीन एंड सुटेबल वर्क इन्वायरमेंट फॉर ट्यूटरिंग, इसमें क्या हमें इस तरीके से पार्टिकुलर वर्क करवाना चाहिए रूटीन के द्वारा, और उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए बच्चों को, जिससे कि बच्चे से पढ़ लिख कर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें. रेनफोर्स बोथ द ट्यूटर एंड ट्यूटर एंड इनकरेज देम टू प्रेसिडेंट और प्रिस्क्राइब टास्क. इसमें क्या होता है हमारे जो टीचर और स्टूडेंट दोनों को इनकरेज करते हैं, और उन्हें टाइम टाइम टू टाइम उन्हें मतलब अचीवमेंट के लिए उन्हें प्राइस वगैरह भी दिया जाता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनको इनकरेज हो सके और आगे अच्छे से पढ़ाई कर सके और उन्हें इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.